कोतवाली में रविवार की रात शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड जब तक आग पर काबू पाती तब तक काफी सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना रात के करीब 12 बजे की है जब मऊरानीपुर कोतवाली में विद्युत के तारों में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें इतनी तेज हो गईं कि पूरी कोतवाली आग की चपेट में आ गई। आग की लपटों को देख थाने पर तैनात कर्मचारी बाहर दौड़े और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। साथ ही घटना की सूचना फायर ब्रिगेड टीम को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग की चपेट में लगभग 5 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल मिठास को मिलते ही उन्होंने तत्काल मौका मुआयना किया और नुकसान का आकलन किया। ये देर रात्रि जहां हमारा कंप्यूटर कक्ष है थाने का, उसमें शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से अचानक आग लग गई थी और जिसकी वजह से वहां रखे हुए करीब 5 कंप्यूटर सेट्स और 2 लैपटॉप और टैबलेट्स में काफ़ी नुकसान हुआ है। समय रहते हुए वहाँ पर फायर ब्रिगेड को बुला लिया गया था और थाने के समस्त कर्मचारियों ने मिलकर उस आग को आगे बढ़ने से रोक लिया गया है, क्योंकि तत्परता के कारण मात्र उसी कमरे के अंदर ही नुकसान हुआ है, बाकी थाने के अन्य कमरों में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। कितने का नुकसान हुआ लगभग सर? इसमें हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, लगभग 5 कंप्यूटर्स हैं और बाकी लैपटॉप्स लगभग 5-1 लाख रुपये का, जैसा कि फायर ब्रिगेड के अनुमान बताया है कि इतना नुकसान हुआ है। इसको हम लोग अभी और फाइनल करेंगे और शीघ्र ही जो भी हमारा काम है, जो CCTNS आदि का काम रुक गया है, उसको हम बहुत जल्दी ही रीइंस्टेट करेंगे। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।